कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को अपनी तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। जल्द ही रात को कर्फ्यू लगाने पर फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें, न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ कोरोना की जांच दर बढ़ाने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता राजीव मल्होत्रा की जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई कर रही है। पीठ ने दिल्ली में संक्रमण की वजह से बिगड़ते हालात को लेकर सरकार पर सवाल उठाया था। पीठ ने पूछा कि एक महीने के अंदर 2000 लोगों की मौत हो चुकी है, आखिर सरकार क्या कर रही है। पीठ ने कहा कि कई राज्यों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्या दिल्ली सरकार भी इस दिशा में कोई विचार करेगी। इसके जवाब में दिल्ली सरकार की तरफ से अधिवक्ता ने बताया कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ये संक्रमण की दर पर निर्भर करता है। 3-4 दिन में रात को कर्फ्यू लगाने पर फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि स्थिति को देखते हुए जांच की दर बढ़ा दी गई है। इस पर पीठ ने दिल्ली सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरटीपीसीआर की जांच की संख्या तब बढ़ाई गई जब लोगों की जान चली गई। पीठ ने कोरोना पर लगाम लगाने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। याचिका पर अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।